ये लड़का एक जादुई पत्थर की तलाश में पुराने झरने के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वहाँ भी उसके पत्थर के जैसा ही निशान बना हुआ है। पर नीचे से पुलिस वाले कहते हैं चला जा भूतनी के, लेकिन ये फिर भी अपने पत्थर को उस निशान में लगाता है तो उसमें से जादुई पत्थर बाहर आता है। मगर जैसे ही वो इस पत्थर को उठाता है तो इसके साथ ही एक राक्षस भी उस शहर में आ जाता है और लड़के के हाथ में जादुई पत्थर को देख के कहता है तो गया बेटे, और उन पर आग से हमला करने लगता है। तभी उसकी मम्मी मारती है सुपर हीरो वाली एंट्री और राक्षस की खटिया खड़ी कर देती है। मगर राक्षस तो एक चमाट में ही इनकी हवा निकाल देता है और बार्ली भी जादुई पत्थर से अपने बाप को जिंदा करने लगता है। राक्षस भी तेजी से उनकी ओर आने लगता है तो बार्ली अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़कर खुद उस राक्षस से लड़ने लगता है। तो राक्षस भी कहता है भगभूतनी के, जिससे बार्ली नीचे गिर जाता है और उसकी जादुई छड़ी भी समुद्र में गिर जाती है। फिर ये राक्षस दोबारा उस जादुई पत्थर की ओर जाने लगता है तो बार्ली देखता है उसके हाथ पर जादुई छड़ी का एक छोटा सा तिनका है, तो ये उसको अपनी छड़ी बना लेता है और जादू से अपनी माँ की तलवार को उस राक्षस के आर पार कर देता है, जिससे राक्षस खलाश हो जाता है और बार्ली उसके मलबे में फंस जाता है। मगर पत्थरों के बीच से अपने पापा और भाई को देखता है कि तभी सूरज डूबने के साथ ही इसके पापा भी गायब हो जाते हैं। फिर बार्ली को उसका भाई बाहर निकालता है और अब इस शहर में दोबारा जादू का इस्तेमाल होने लगा है।